हेलो दोस्तों, मैं अनिल सैनी एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चलते हैं जहाँ पर हमारी जो बाउंड्री वॉल का काम हो रहा है, चलिए वहाँ पर चल के देखते हैं कि क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या हो चुका है। ये देखिए कॉलम डल चुके हैं यहाँ पे, और अब हम देख रहे हैं कि कॉलम की फाउंडेशन हो रही है। लगभग सारे कॉलम की फाउंडेशन हो चुकी है, ये देखिए लास्ट तक आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर सभी कॉलम की फाउंडेशन बना दी गई है, और आगे की तरफ देख रहे हैं वहाँ पर कुछ काम और भी हो रहा है। चलिए उधर ही चल के देखते हैं आज क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या हो चुका है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जब हम चिनाई करेंगे, ईंट का रद्दा लगाएंगे, तो किस तरीके से लगाया जाता है। ये देखिए कॉलम डालने के बाद ये हमने एक निशान लगाया हुआ है कि कॉलम के साथ साथ में जो ईंट की चिनाई की जाएगी वो इस निशान से की जाएगी। ये जो कॉलम की हमारी विड्थ होगी वो उसी के अकॉर्डिंग हम जो यहाँ से इस निशान के साथ में चिनाई लेंगे और वो उसके कॉलम और चिनाई के फेस में आ जाएगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये काम हो चुका है काफ़ी, और देखते हैं आगे क्या क्या काम हो रखा है। ये देखिए यहाँ भी इस कॉलम में भी ये काम हो रखा है। और अब हम चलते हैं जहाँ पर चिनाई शुरू हो चुकी है, और लगभग कुछ चिनाई कर दी गई है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जो काफ़ी कॉलम हैं उनके साथ में जो चिनाई हो रखी है वो देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो चिनाई की गई है एक फाउंडेशन से दूसरी फाउंडेशन को किस तरीके से जोड़ा गया है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने एक खसका, दो, तीन, चार खसके लिए गए। यहाँ पर चार खसके लिए गए हैं, और चारों खसकों की जो ऊंचाई है लगभग ये होगी 8 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। इन चारों खसकों के बाद फिर हमने यहाँ से 9 इंच की दीवार को करना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पर भी ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये दोनों निशान जो है, जो कॉलम का जो फेस आएगा ये, और चिनाई के 9 इंच का जो फेस आएगा, दोनों एक ही जगह पर आएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे कॉलम है और वॉल जो है वो एक ही फेस में चलेगी और हमें स्ट्रेट मतलब सीधी दिखाई देगी। दोस्तों देखिए किस तरीके से सबसे पहले हमने नीचे काफ़ी ज़्यादा चौड़ाई में वॉल को लिया है। इधर से भी देखते हैं, इधर भी एक ही जैसा है लगभग। सबसे पहले हमने जब खसके लेना शुरू किया था तो ये दोनों तरफ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से दिखाई देंगे। लगभग यहाँ पर इन्होंने हम देख लेते हैं, एक बार मेजर कर लेते हैं, ये हमने जो लिया है लगभग 3 से 4 इंच चौड़ी नीचे जो हमने फाउंडेशन बनाई है सबसे पहले खसके की, फिर उसके बाद दूसरे खसके की थोड़ी और कम करके बनाई है, फिर उसके बाद तीसरे खसके की बनाई है थोड़ी और कम करके। इसी तरीके से हम 5-5 सेंटीमीटर कम करते गए हैं, और हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर ली गई है। इसी तरीके से जब हम 9 इंच तक आते हैं तो वह हमारी जो है फिक्स हो जाती है, उससे हम कम नहीं करते हैं फाउंडेशन के लिए। अब जब भी हम यहाँ से आगे काम शुरू करेंगे तो यहाँ इसलिए ये काम इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि इसके ऊपर जो है 9 इंच का बीम डाला जाएगा। 9 इंच का मतलब कि जितना ये कॉलम की विड्थ आप देख रहे हैं इतनी ही विड्थ का बीम होगा, जो लगभग ये है 14 इंची का बीम है जो उसकी डेप्थ है। तो जैसे ही बीम डलेगा, अब आगे का आप देख रहे होंगे कि आगे भी काफ़ी वहाँ पर अभी क्योरिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा हम वहाँ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, मैं वहाँ दिखाऊंगा मैं आपको किस तरीके से बीम डला हुआ है। और इस बीम को डलने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा सा चिनाई का काम किया जाएगा, ब्रिक वर्क किया जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और बीम डाला जाएगा उसके। तो बाउंड्री वाल का काम अभी फ़िलहाल में यहीं तक किया जाएगा, जो उसके ऊपर दूसरा बीम डाला गया है उस लेवल तक। और ये सारा काम जो है एक वाटर लेवल के थ्रू किया गया है। यहाँ पर क्या है, ये आप धागा देख रहे होंगे, ये जो धागा बंधा हुआ है
ये वाटर लेवल का निशान लगाया कि इस लेवल तक ही हम क्या करेंगे, बीम को डालना है। तो हमने जो उधर से और इधर तक जो लिया है वो उस कोने से लेकर के इस कोने तक जो वाटर लेवल करके एक निशान बना लिया, इसी लेवल पर हम आगे बीम डालने वाले हैं यहाँ पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं थोड़ा आगे, जहाँ पर इन्होंने कॉलम के साथ में बीम डाला हुआ है और ब्रिक वर्क शुरू कर रखा है, उधर ही चलते हैं आज हम। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बीम डाला हुआ है। ये देखिए आप बीम देख रहे होंगे, और जैसा कि बीम दिया हुआ है इसके ऊपर कॉलम है, फिर कॉलम के ऊपर फिर एक और बीम दिया है, उसके बाद जो है बाउंड्री वॉल का काम जो है फिनिश हो जाता है। फिनिश करने के बाद यहाँ पर इतना ही काम था अभी फ़िलहाल में बाउंड्री वॉल का। इसके बाद अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए आप यहाँ से 9 इंच की दीवार भी ले सकते हैं, और या फिर आप 4 इंच की दीवार, जैसा भी आप कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक हमने जितने भी वीडियो बनाई हैं उन सबको मैं ऐड करके एक ही वीडियो में कनेक्ट कर दूंगा, जिससे क्या होगा आप नींव की खुदाई से लेकर के और बाउंड्री वॉल बनने तक के सारे प्रोसेस को आप एक ही वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियो लाता रहूं। थैंक यू दोस्तों।